ये लोग सारे हमारा मजाक उड़ाया करते थे, आम आदमी का मजाक उड़ाया करते थे। आपने देखा था दिग्विजय सिंह खड़ा होकर कहता था, अरे हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। आज दिग्विजय सिंह को लग रहा होगा इस देश के आम आदमी को चुनौती मत दो, जिस दिन देश का आम आदमी खड़ा हो गया बड़े बड़े सत्ता हिल जाएगी। एक साल बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, चुनाव के पहले ये मीडिया वाले सारे ओपिनियन पोल करते हैं ना आजकल, ये ओपिनियन पोल करा करते थे, फर्जी ओपिनियन पोल। 3 सीट आएंगी 4 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की, 28 सीट आई जी आम आदमी पार्टी की, 28 सीट हमारी वजह से नहीं आई, कुछ ना कुछ कुदरत का चमत्कार हो रहा है। गीता में लिखा है ना, जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला झाड़ू चलाता है, ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है। 28 सीट आई, सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई, बड़ी खुशी हुई, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था हमारे पास। हम सरकार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा भाग रहे हो तुम, कांग्रेस वालों ने कहा हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, बिना शर्त समर्थन देने को तैयार। हमने कहा जी आपका समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने कहना चालू कर दिया, ये आम आदमी पार्टी वालों ने जो वादे करे थे ये वादे पूरे नहीं हो सकते, इसलिए सरकार नहीं बनाना चाहते। हमने पूरे दिल्ली के अंदर सभा बुलाई ऐसे ही जैसे यहां बुला रखी है, ऐसे ही जैसे अगले 10 दिनों में हम बनारस की गली गली में जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले में जाएंगे, जनता से बात करेंगे। ऐसी हमने 280 सभाएं करी पूरी दिल्ली के अंदर। जनता से पूछा, जनता ने कहा जी एक काम करो, आज तक तो ये कांग्रेसी इस्तेमाल करते थे, इस बार कांग्रेसियों को आप इस्तेमाल करो, इनके साथ मिलकर सरकार बना लो, जितने दिन काम करने थे ठीक है, नहीं तो बाहर निकल जाना, अपने को क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा जी ठीक है, हमने कांग्रेसियों को चिट्ठी लिखी, कांग्रेसियों को कोई भरोसा नहीं, अपनों के नहीं हुए हमारे क्या होंगे, अपने सगों के। तो हमने इनको चिट्ठी लिखी, कांग्रेसियों को कहा भाई 18 पॉइंट है, इस पे सहमत हो, बिजली के रेट आधे करेंगे मंजूर है, पानी मुफ्त करेंगे मंजूर है, लोकपाल बिल पास करेंगे मंजूर है, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे मंजूर है, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे मंजूर है। 18 पॉइंट लिख के दिए इन्होंने, साइन करके दिए हमको कांग्रेसियों ने कि हमको मंजूर है। हमने सरकार बना ली भाई साहब, 49 दिन तक सरकार चली। इन 49 दिनों के अंदर इतना काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, इतना काम किया, मैं चैलेंज करता हूं भारत, आजाद भारत के इतिहास में किसी पार्टी ने पहले 50 दिन में दिखाया हो मेरे को बता दो। खूब काम किया 49 दिनों के अंदर, बिजली के रेट आधे कर दिए, कभी सुना था इस महंगाई के जमाने में बिजली के रेट आधे होते, बढ़ते तो सुने थे, महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, बिजली के रेट आधे कर दिए, 650 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति परिवार मुफ्त कर दिया, और सबसे बड़ा जो हुआ दोस्तों, भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई 49 दिनों की सरकार में। और ये हम नहीं कह रहे, कई अखबार वालों ने दिल्ली में सर्वे कराया और उन्होंने बताया इन 49 दिनों के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। भाई साहब आज तक कभी नहीं हुआ था, पुलिस वाले बड़े बदनाम है, सारे पुलिस वाले खराब नहीं होते, कई अच्छे भी होते, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, झुग्गी वालों को तंग किया करते थे, रेडी पटरी वालों को तंग किया करते थे, ऑटो वालों को तंग किया करते थे पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए। लेकिन जैसे ही मैंने सरकार, वैसे ही अब ऑटो वाले बताते हैं जी फेर लेने चालू कर दिए पुलिस वालों ने पैसे, और कह रहे हैं वो 49 दिन की जो सरकार थी केजरीवाल की, उस टाइम के भी पैसे दो, वो बकाया पैसे भी दो। सरकारी अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिला करती थी, 49 दिनों की सरकार में दवाइयां मिलने लग गई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर पहले लाइसेंस देने के लिए पैसे लेने देने पड़ते थे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सारे दलाल भाग गए। नगर निगम के इंस्पेक्टर ने पैसे लेने से बंद, नगर निगम के कर्मचारियों ने काम करना चालू कर दिया 49 दिन की। मैं नहीं कह रहा, अखबार वालों ने सर्वे कराए थे, अखबारों में छपी थी ये खबरें। ये कहते हैं सरकार चलानी नहीं आती। मैं ये सोच रहा था ये सरकार चलाना होता क्या है, तो एक पत्रकार ने बताया जी 1000-2000 करोड़ रुपए आप भी ले लेते, थोड़े से बीजेपी वालों को दे देते, थोड़े से कांग्रेस वालों को दे देते, थोड़े मीडिया में दे देते, तो ये कहते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री है, सरकार बड़ी अच्छी चलानी आती है। दोस्तों 49 दिन की सरकार के बाद हमने मुकेश अंबानी, जो मैंने गैस घोटाला बताया, इसके कागज आए मेरे पास, ये फाइल आई मेरे पास कि 1 अप्रैल से इस देश के अंदर गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। ये गैस के घोटाले की खबर मेरे पास आई, ये सारे कागज जब मेरे पास आए, मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अपनी एंटी करप्शन ब्रांच को मैंने बोला
कि मुकेश अंबानी ऑफ एफआईआर लिखो, मैंने फाइल पे ऑर्डर कर दिए, मुकेश अंबानी की जांच करो। आज तक इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई थी जो मुकेश अंबानी के खिलाफ हाथ उठा सके, मुकेश अंबानी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। पहली बार मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, बस उसके बाद तो बवाल हो गया। मुकेश अंबानी ने बीजेपी और कांग्रेस वालों को बुलाया और बोले कि अब इसकी सरकार नहीं चलनी चाहिए। और उसके तीन दिन बाद हमारा विधानसभा का सत्र था, उस विधानसभा के सत्र में ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने सत्र नहीं चलने दिया। जी आपने टीवी में देखा होगा, इन्होंने सारे माइक उठा के तोड़ दिए, इन्होंने सारी फाइलें फाड़ दी। हम स्वराज का बिल पास करना चाहते थे, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर स्वराज का बिल पास नहीं होने दिया। हम लोकपाल का बिल पास करना चाहते थे, वो पास नहीं होने दिया। हम सब्सिडी का बिल पास करना चाहते थे, वो पास नहीं होने दिया। मेरे पास दो ही विकल्प थे, विकल्प था मैं मुख्यमंत्री बना रहता, जैसे ये लोग कुर्सी से चिपके रहते मैं भी कुर्सी से चिपका रहता, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मेरी आत्मा ने कहा अरविंद इस्तीफा दो, बाहर जाओ और जनता को कहो जी अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी तब काम करके दिखाऊंगा। मैंने इस्तीफा दे दिया, बताओ गलत करा क्या मैंने? अगर इस्तीफा नहीं देता तो मेरे को बोलते कि केजरीवाल सत्ता का भूखा है, देखो लोकपाल बिल पास नहीं हुआ फिर भी अपनी कुर्सी पे बैठा है, लोग बोलते। और अब जब मैंने इस्तीफा दे तो ये बीजेपी वाले चार घूम घूम के, कांग्रेस वाले घूम घूम के, इन्होंने पूरे बनारस में लगा रखा भगोड़ा, भाग गया। अरे कहां भाग गया, यहीं खड़ा हूं, कहां भाग गया, पाकिस्तान भाग गया क्या? यहीं खड़ा हूं और तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहूंगा मरते दम तक, ऐसे नहीं भाग के जाने वाला, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगा, ऐसे नहीं भाग के जाने वाला।